सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर से भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही के संपत्ति के दो जगह पर ईडी द्वारा पिछले दिनों बोर्ड लगा दिया गया था। ईडी द्वारा विधायक की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही पूरा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई है, जहां लोग जागते सोते समय चर्चाएं हो रही है। साथ ही साथ विपक्षी दल पार्टियों के लोग विधायक ने भी हमलावर हो गए हैं। शुक्रवार को नगरगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव ने विधायक पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधायक ने भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ पूरे प्रदेश की जनता को शर्मसार करने का काम किया है। उन्हें तत्काल नैतिकता के आधार पर विधायक पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। देव ने कहा कि विधायक ने मधुकोड़ा की सरकार में 130 करोड़ रुपए की दवा घोटाला कर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है। घोटाला के मामले वे कई बार जेल जा चुके हैं, उन्हें जैसी करनी वैसी भरने का फल मिल रहा है। विधायक के करनी से आज भाजपा के पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी की आत्मा दुखी हो रही है। श्री देव ने कहा कि 2019 के चुनाव के दौरान तत्कालीन सीएम रघुवर दास ने कहा कि मधु कोड़ा मंत्रिमंडल के सभी भ्रष्टाचारी लोगों की जगह विधानसभा नहीं जेल है। श्री देव ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, दूध का दूध और पानी का होगा। उन्होंने कहा कि विधायक की राजनीतिक झूठ की बुनियाद पर टिकी है, लेकिन झूठ की बुनियाद मजबूत नहीं होती है। क्षेत्र की जनता को जितना बरगलाना है बरगला ले, लेकिन क्षेत्र की जनता सब जानती है। आने वाले समय में क्षेत्र की जनता जवाब देगी। मौके पर वरिष्ठ नेता मुक्तेश्वर पांडे, अमरनाथ पांडे, प्रदीप सिंह, गरबंद मुखिया, पप्पू जायसवाल, टुनटुन जायसवाल, विनोद प्रसाद, सुशील प्रसाद समेत कई लोग मौजूद थे। बंशीधर नगर से शुभम जायसवाल की रिपोर्ट। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबों को मैं कुछ कहना चाहता हूं कि 17/2021 को ईडी के द्वारा, ईडी के पदाधिकारी के द्वारा वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही पर और वर्तमान विधायक के संपत्तियों पर जो बोर्ड लगा गया है, जब्त किया गया है, वो निश्चित रूप से विधानसभा तो कलंकित हुआ ही, पूरा झारखंड कलंकित हुआ, शर्मसार हुआ है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं इस मुद्दे में कि आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रघुवर दास जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी कहते थे कि मधुकोड़ा के समय में जो जो लुटेरे इस झारखंड को लूटने का काम किए हैं उसका जगह जो है विधानसभा में नहीं है, उसका जगह जो है जेल में है। तो नैतिकता के आधार पे जो उन्होंने कार्य किया है, जो कुकर्म किया है, उसके आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।